हम लोग फिर से सीखने के नहीं सीखने के कारण हम लोग इतने जन्म में भी खाली कुछ लोगों को कीर्तन आता है जो जिन्होंने प्रयास किया सीखने का गाने का। तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूं कि ये साल तो गवा दिया हम लोगों ने, आने वाला साल, आने वाला जो साल है उसमें आप सब लोग सीखिए। तो बड़ा आसान है सीखना, बड़ा आसान है। देखिए, एक समय था मुझे भी कीर्तन नहीं आता था, मुझे कीर्तन करना नहीं आता था जब मैं नया नया मंदिर जाना शुरू हो गया था। तो मैं सोचता था ये भक्त लोग इतना अच्छा कीर्तन करते कि वहाँ से हटना ही नहीं होता, 8 घंटा 10 घंटा भी कीर्तन हो तो बस उनके पास बैठे रहो, आनंद करते रहो। लेकिन दुर्भाग्य कि हम 8-10 मिनट भी नहीं कर सकते उनके जैसा। तो ये विचार मन में आया कि भाई ये स्थिति बदलनी चाहिए, कैसे हम वहां तक पहुंचेंगे। तो मैंने क्या किया, बैठते उठते चलते, और उन दिनों बॉम्बे रोज जाना होता था ट्रेन में, 2 घंटा जाना 2 घंटा आना, तो काम तो कुछ होता नहीं वहां पे ट्रेन में, आपके पास टाइम होता है और उसमें भी एक हाथ ऊपर रहता है, एक हाथ में आपको पकड़ के रखना होता है। तो एक हाथ तो भगवान की तरफ ही है, तो दूसरा हाथ भी भगवान की तरफ करके कीर्तन गाना शुरू कर दिया, मतलब दोनों हाथ से वो जंजीर पकड़ के जो बेल्ट हुक रहता है, और कीर्तन जो भी सुना हो गाना शुरू कर दिया। और ऐसे ही कुछ 2-4-6 महीने में अनेक प्रकार के कीर्तन आ गए, जो भी सीडी में सुनते थे या मंदिर में सुनते थे या भक्तों से सुनते थे सत्संग में। तो गाते 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 एकदम रटना बोलते ना, जैसे रटना, वही जो ट्यून पकड़ लिया गा रहे घंटा बीत गए, और टाइम भी बीत जाता था, धक्का भी नहीं, कुछ पता ही नहीं चलता था, अंधेरी आ गए। उन दिनों अंधेरी सांता क्रूज जाना होता, तो कभी बीत गए पता नहीं, और ऐसे कर करके सीख गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग भी ज्यादा से ज्यादा ट्रेन में जाते हैं या फिर घरों में रहते हैं, अपना अपना रसोई में होते हैं कि 2-2 घंटे, तो आप क्या करिए, बस गाते रहिए कीर्तन सुर में। कोई एक ट्यून लगा दीजिए सीडी का, या फिर आजकल तो बहुत सारे तरीके हैं सुनने के जो फ्री है, मुफ्त है, सीडी का भी जमाना गया, अनेक अनेक प्रकार से नेट में सुन सकते हैं। तो आप लगा दीजिए और उस पर गाते रहिए, एक एक ट्यून आ जाएंगे 2-4-6 महीने में। नहीं आने का एकमात्र कारण मैं कह सकता हूँ कि आप सब ऐसा करते नहीं, आप सब ऐसे प्रयास नहीं करते, और यही प्रयास जीवन को वास्तविक में आनंद देने वाला और सफल प्रयास है, जीवन को पूरा जीवन सफल करने वाला है। बाकी जो भी कर रहे हैं वो सिर्फ शरीर का पालन के लिए कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, शरीर उससे पोषित हो रहा है, और ना तो आत्मा हो रहा है, ना भगवान प्रसन्न हो रहे, ना ही वैकुंठ या भगवत धाम जाएंगे। तो उसमें से टाइम निकाल के मन को हटा के कीर्तन में एकाग्र करिए। ये नए साल का संकल्प करिए कि मुझे नए साल में हरे कृष्णा कीर्तन सीख लेना है। प्रभुपाद जी अपने भक्तों से कहते थे, बस ज्यादा कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, ट्रिपल के आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ट्रिपल के, 3 प्रकार का के, ABCD में जो के आता है ना, वो 3 प्रकार के सीख लेंगे, जीवन सफल हो जाएंगे, आपको भगवान का प्रेम मिल सकता है, मिल जाएगा। तो ट्रिपल के क्या है, सबसे पहला कीर्तन, क्या कैसे कीर्तन याद रखिए। दूसरा जो के है वो क्या है, करताल, कैसे करताल। अगर आप करताल बजा के कीर्तन करेंगे 150 लोग आनंद करेंगे, क्या करेंगे। प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए उनके पास सिर्फ एक करताल थी, या थी एक करताल, और क्या हुआ कि जहां रह रहे थे जिसके साथ, वो एक हिप्पी था, हिप्पी मतलब जंगली टाइप का, क्या था, एकदम रोज वो नशे में चूर रहता था, अनेक प्रकार का ड्रग्स लेता था। एक इनके बच्चे है लोग, इनके माता पिता कौन है, बिठाइए उनको, शांति से घूम रहे मेले में। तो
जो हिप्पी के घर में प्रभुपाद जी रहते, नशे में रहते थे, इतने बाल नहाते नहीं थे, मुंह नहीं धोते थे, कभी भी खाते थे, ऐसे उनकी दुर्दशा थी, उनको ठिकाना नहीं था तो उनके साथ रहते थे। तो एक दिन उसने क्या किया, रात को कहीं से आया अपने जो उनका जीवन था उसमें, और प्रभुपाद जी सो रहे थे, रात को ही सारा सामान उठा के रोड पे फेंक दिया उसने। झोपड़पट्टी जैसा एरिया था, अमेरिका का झोपड़पट्टी, बहुत बुरी हालत, सब सामान फेंक दिया बाहर। और हुआ क्या, उसमें से आधे सामान लोगों ने जो जो काम के थे लेके भी चले गए, बच गए उनके पास सिर्फ एक करताल। तो पहले ही उनको कोई जान पहचान नहीं, पॉकेट में पैसे नहीं, और अब बच गए सिर्फ करताल, सामान भी सब लूट गए, आधे टूट फूट गए सब, जो भी थे टाइपराइटर वगैरह जो भी, बक्सा बक्सा सब ले गए जिनको ले जाना। तो एक गार्डन में बैठ गए, पार्क में, वहां पार्क का बड़ा चलन है, जैसे शिवाजी पार्क में लोग हमेशा होते, क्रॉस मैदान में हमेशा लोग होते, चर्च गेट में जाएंगे। तो ऐसे एक पार्क में प्रभुपाद जी बैठ गए और सोच रहे, भगवान मुझे यहाँ किस लिए लाए हो, इस बुढ़ापे में क्या कराना चाहते हो। और ऐसे सोच सोच के थोड़े से विचार में भी थे, थोड़े से उलझन में भी थे, और ऐसे ही सोच सोच के उन्होंने कीर्तन शुरू कर दिया। क्या कर दिया, एक करताल था सिर्फ उनके पास, और कीर्तन शुरू कर दिया। तो कीर्तन सुन के कुछ लोग जो पार्क में बैठे थे, बेचारे लोग जिनको घर से या तो निकाल दिया गया था, या घर बार नहीं थी, या घर बार से कोई मतलब नहीं था, ऐसे कुछ बुरे बुजुर्ग, कुछ हिप्पी, कुछ नशेड़ी प्रभुपाद जी के पास आ गए, और वो भी उनके साथ में कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट था, किसी के पास गिटार, किसी के पास कुछ जैम में जो कुछ था, कुछ नाच रहे थे, ऐसे करके 10-20-50 लोग हो गए। और प्रभुपाद जी ने जोर से हंसे, जोर से, क्या हुआ, इतना संकट है फिर भी आनंद में हंस रहे कि अब मैं सफल हो जाऊंगा। उनको क्या ही बात, भगवान ने क्या प्रेरणा दिया कि अब मैं सफल हो जाऊं, यहाँ आने का मकसद पूरा होगा, क्योंकि कुछ लोग कीर्तन में नाच रहे थे। क्या हो रहे थे, क्या देखा उन्होंने, कुछ लोग कीर्तन में आनंद कर रहे हैं। अब रोज वो टाइम पे शाम के 3-4 बजे प्रभुपाद जी वहां पहुंच जाते थे और कीर्तन शुरू, और वो लोग भी अब 10-20 से 100-200-500 ऐसे करके पूरी दुनिया में ये करताल और कीर्तन का जादू हो गया। क्या हो गया, करताल और कीर्तन का असर पूरे दुनिया में देख सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने ट्रिपल के का सूत्र दिया है, क्या दिया है, एक बहुत बढ़िया सूत्र दिया है, कीर्तन, करताल, और तीसरा के क्या है, कुकिंग। क्या है, कुकिंग, सब भक्त लोग कुकिंग करते हैं, सब भक्त लोग, यहाँ कोई बाहर का कैटरिंग नहीं चलता है, यहाँ पे भक्त लोग कुकिंग करते हैं, जिनको जो आता है जो कर सकते, कोई काट रहा है, कोई धो रहा है, कोई मिला रहा है, कोई हिला रहा है, कोई पूरा वहां लगे। तो कुकिंग, अगर आपको कुकिंग आता है तो आप कुक करके खिचड़ी, दाल, चावल, सब्जी, रोटी, पूरी, 56 भोग भगवान को अर्पित कर सकते और स्वयं भी खा सकते और हजारों हजार लोग को खिला सकते। हम लोग जब वार्षिक उत्सव रथ यात्रा करते हैं तो हजारों लोग को कुकिंग करके भक्त लोग खिलाते हैं, हजारों लोगों को, कोई बाहर का कोई भी एक भी हलवाई या कुक नहीं आता, सभी भक्त लोग मिलके जिनसे जितना हो पड़ता है वही करते हैं। तो एक ट्रिपल के हर भक्त को आना चाहिए, जो अपने आप को अगर एक बार भी भक्त कहते हैं, आना ही चाहिए, कंडीशन है, हमारा दुर्भाग्य समझना चाहिए कि हमें नहीं आया। क्या समझना चाहिए, दुर्भाग्य समझना चाहिए, हमने सीखा नहीं। तो मैं छूट दे रहा हूं कि 1 साल गया, 17 गया, जाने दो, लेकिन आज के दिन संकल्प करिए कि मुझे पूरे 18 में सीख लेना है ट्रिपल के। जिनको कुकिंग का शौक है वहां पे जाके अजामिल प्रभु है, दशरथ प्रभु है, नंदलाल प्रभु है, इनको मिल सकते हैं, कुकिंग में हेल्प कर सकते, वो आपको कुकिंग सेवा में लगाएंगे, आपको सिखाएंगे। जिनको भी भगवान के लिए रसोई बनाना है, कुकिंग करना, जिनको कीर्तन और करताल सीखना, हमारे पास आ सकते हैं, हम उनको हर शनिवार यहाँ पे ट्रेनिंग देंगे। और अगर कोई माताजी लोग हैं तो माताजी के साथ बैठ के सीख सकते हैं। आप इच्छा तो जाहिर करिए, आप अपने आप को लगाइए, तो उसमें
ये तीन चीज आएंगे आप भगवान को खरीद सकते हैं, जा सकते हैं। यही किया है हमारे गोस्वामियों ने, भक्तों ने, जो कुछ बना वो भगवान को पका के खिलाया और कीर्तन किया उनके सामने करताल बजा के। और उनके पास कुछ भी नहीं था ऐश्वर्य ज्यादा से ज्यादा, जो चैतन्य महाप्रभु के परंपरा में सभी लोग बड़े सादे थे, बड़े कम सुविधाओं से लैस थे वो लोग। बस भगवान को जो भी मिला खिलाए, कीर्तन किया प्रेम से और करताल बजा के उनको प्रसन्न कर लिया, अपना बना ले। तो आज के दिन में बड़ा सरल आपको सूत्र दिया है हमने प्रभुपाद जी की तरफ से, ट्रिपल के, क्या ट्रिपल के, तीन के कीर्तन करताल और कुकिंग, याद रखिए। सभी लोग सीखेंगे, सभी लोग जितने लोग सीखेंगे हाथ खड़ा करिए, कितने लोग सीखना चाहते हैं। इधर तो दुर्दशा है, वहां नहीं सीखना है। चलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं आपको सद्बुद्धि दे, इनके लिए एक बार महामंत्र बोलते हैं जिनको नहीं सीखे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जी ने शिक्षा दिया है, जो नहीं करना चाहते हैं उनके लिए भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। जब भगवान उनकी बुद्धि में बैठ जाएंगे, जब भगवान उनको अपना कृपा करेंगे तो वो भी करने लग जाएंगे, है ना। जैसे हम ये मंगलाचरण बोलते हैं, मुकम करो तिवा चालम पंगु लंगम ते ग्रिम यत कृपा तब हम वंदे परमानंद माधवम। मुकम करो तिवा चालम, जब भगवान की कृपा होती है ना तो गूंगा बाचाल हो जाता है। बाचाल मतलब इतना बकबक करता है कान खराब कर देता है, गूंगा बोलने लगता है। कब? जब भगवान की कृपा होती है। मुकम करो तिवा चालम, ये मुकम जो मुख होते है ना, मुख वो बाचाल हो जाते हैं। और पंगु लंगम ते गिरिम, पंगु जो लंगरा है, अपाहिज है, वो गिरी को लांग जाता है, पर्वत लांग जाता है। पंगु लंगम ते गिरी यत कृपा तमम वंदे परमानंद माधवम, जब आपकी कृपा होती है माधव तो ये लोग ऐसे काम कर जाते हैं। तो इसलिए भगवान के चरणों में प्रार्थना करें कि ये लोग क्या करें, भगवान के नाम के प्रति आकर्षित हो, करने का प्रयास करें, ऐसे भगवान इनको सद्बुद्धि दे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा भैया की जय। तो अभी जब तक भगवान का भोग सेवा नहीं हो जाता है, भोग सेवा के बाद तुरंत प्रसाद करेंगे, आरती तो भोग के बाद करेंगे और उसके बाद प्रसाद होगी, तब तक कुछ भगवान का हम कथा सुनेंगे और उसके बाद बारी बारी से पूरी रात सुबह 4:30 बजे तक कीर्तन होगा और उसके बाद फिर मंगला आरती होंगे सुबह, और उसके बाद तुलसी आरती, उसके बाद नरसिंह आरती, और फिर हम लोग भगवान के चरणों में प्रार्थना करके कि पूरा वर्ष हमें आपके सेवा में, नाम में, गुण रूप लीला दर्शन स्मरण इसमें रहे, हम लोग हमारा मन उसी में रहे, इस प्रकार से हम लोग आज भगवान के चरणों में निवेदन करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज हम लोग थोड़ा सा चर्चा फिर से भागवतम के ऊपर करेंगे। इसमें सातवां स्कंद भागवतम का, श्रीमद् भागवतम के सातवें स्कंद से उसका बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये 14वां अध्याय है
सातवां स्कंद का चौदहवां अध्याय जिसमें गृहस्थ संबंधी सदाचार की बात कही गई। क्या कहेंगे? गृहस्थ संबंधी सदाचार की बात कही गई। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं युधिष्ठिर महाराज? युधिष्ठिर महाराज की जय। सभी लोग भागवतम के इस श्लोक को बोलेंगे। गृहस्थ गृहस्थ एताम एताम पदवीम पदवीम विधिना विधिना एना एना चाव जसा याति याति देवर्षे देवर्षे बहु बहु देवर्षे देवर्षे ब्रूहि ब्रूहि मातृशो मातृशो गृहमूढधि गृहस्थेतां पदवीं विधिना एं चाजसा यति देवर्षे बुहिं मातृशो गृहमूढधि। इसका अनुवाद इस प्रकार से है। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, देवर्षि नारद, मेरे जैसा गृहस्थ, मेरे जैसा गृह आसक्त गृहस्थ बिना विशेष परिश्रम के इस पद को किस साधन से प्राप्त कर सकता है? आप कृपा करके मुझे बताइए। यहाँ पे जो युधिष्ठिर महाराज है, युधिष्ठिर महाराज के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों ने जानकारी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मालूम है युधिष्ठिर महाराज कौन है। पांच पांडव में सबसे बड़े जो हैं उनका नाम युधिष्ठिर है ना। तो युधिष्ठिर महाराज का एक और नाम है। क्या नाम है? क्या नाम है? धर्मराज। तो युधिष्ठिर महाराज से युधिष्ठिर महाराज क्या बोल रहे हैं? देवर्षि नारद, देवताओं के गुरु देवर्षि नारद, मेरे जैसा गृह आसक्त, मेरे जैसा जो ग्रह में आसक्त है, घर में गृहस्थी में इस मटेरियल भौतिक संसार में काम धंधे में अनेक प्रकार से जो आसक्त है, गृहस्थ बिना विशेष परिश्रम के इस पद को किस प्रकार साधन प्राप्त कर सकता है, आप कृपा करके बताइए। मेरे जैसा गृह आसक्त गृहस्थ बिना विशेष परिश्रम के इस पद को किस साधन से प्राप्त कर सकता है, आप कृपा करके मुझे बतलाइए। क्या पूछ रहे हैं कि भाई मेरे जैसे गृह आसक्त, यहां तक पहला शुरू करते हैं। क्या कह रहे हैं? भगवान के एक शुद्ध भक्त है, धर्मराज है, क्या है? झूठ नहीं बोलते, इतना समझते पहले। युधिष्ठिर महाराज क्या है? भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त है। पांचों पांडव भगवान के भक्त है कि नहीं? उसमें से युधिष्ठिर महाराज धर्मराज, झूठ भी नहीं बोलते। हम लोग में ऐसा कोई है? ऐसे कोई भक्त है हम लोगों में जो झूठ नहीं बोलते? कोई एक हाथ उठाइए। ऐसे ऐसे भक्त है भगवान के, जितना भी प्रणाम करो कम है, जितना भी गुणगान करो कम है। भगवान की चर्चा छोड़ो, भक्तों की दशा देखो कैसे, झूठ तक नहीं बोलते और भगवान कह रहे उनको तू झूठ बोल, बोरे मैं नहीं बोलूंगा, ये कलंक लग जाएगा मेरे ऊपर, कौन भरोसा करेगा मेरे ऊपर? भगवान ने महाभारत में झूठ बुलवा रहे उससे, आप सबने टीवी में भी देखा है ना, भगवान झूठ बोलने के लिए कह रहे हैं। युधिष्ठिर आज आपको बोलना पड़ेगा तभी काम होगा। युधिष्ठिर ने मना कर दिया। क्या कर दिया? पूरे बीच सभा में मना कर दिया, मैं नहीं करूंगा। भगवान को उपाय निकालनी पड़ी। क्या उपाय? आप सबको पता है ना, भगवान ने एक युक्ति निकाला, भाई ये तो बोलेगा नहीं, और ये बोलेगा नहीं युद्ध हार जाएंगे, द्रोणाचार्य किसी को छोड़ेगा नहीं आज। तो भगवान को युक्ति निकालनी पड़ी धर्म की स्थापना के लिए। कुछ नहीं समझने वाले, कम समझने वाले, अपने मन से समझने वाले, या सीधे सीधे बोल दूं, मूर्ख लोग समझते, भगवान ने वहां पे
अच्छा नहीं, कैसे बात करते हैं मूर्खों में, वो नहीं जानते धर्म की स्थापना के लिए हो रही, नहीं तो धर्म भूल जाता था। तो युधिष्ठिर महाराज जैसे हम लोग में से कोई नहीं, ये एक सीखने वाली बात, ये भी चाहिए तो आज जीवन में ले सकते कि आज से झूठ नहीं बोलूंगा, क्या संकल्प कर सकते भगवान के सामने। देखिए झूठ बोलने की नौबत आती है जीवन में, तो उस टाइम पे एक काम कर सकते हैं, बड़ा अच्छा उपाय है, चुप हो जाइए। क्या हो जाइए? चुप हो जाइए, मौन रखिए उस टाइम पे। हरे कृष्णा 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 मन में चालू कर दीजिए, है ना, जगन्नाथ जगत बचा लो जगन्नाथ, झूठ बोलने की बारी आई। यहाँ तो झूठ खुद भी बोलते हैं और बच्चे से भी बुलवाते हैं या घर के लोगों से भी बुलवाते हैं, है ना। घर में रिंग बजा, टिंग टॉन्ग हुआ, डोरबेल बजा और कोई ऐसे आदमी आ गए जिनको हमें इंटरटेन नहीं करना है, नहीं लेना है घर में, तो पत्नी या बच्चे जिन्होंने भी दरवाजे पे गए हैं उनको बोल देते हैं, बोलता नहीं है बाहर है, 10 दिन हो गए बाहर है, खुद भी झूठ बोल रहे हैं और पत्नी बच्चों को भी ट्रेनिंग दे रहे बढ़िया एकदम, है ना। हरि बोल, पत्नी बच्चों को भी बढ़िया ट्रेनिंग दे रहे और ट्रेंड हो जाते हैं बाद में, फिर उनको ही झूठ बोलते हैं बाद में झगड़ा होता है, तुम झूठ बोल दिया, अरे सिखाया तो तुमने, अगर यहां संकल्प कराते थे वैसे सीख जाते थे, वो झूठ नहीं बोलते थे। तो हम लोग सीखना चाहिए कि हमें भक्त अगर हम हैं तो कम से कम, या नहीं झूठ बोलने की नौबत आए तो साइलेंट हो, मौन रखो और भगवान का नाम लो, भाई क्षण निकालो, तो इस प्रकार से कम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एकदम कम से कम हो जाएंगे। ऐसे भगवान के शुद्ध भक्त युधिष्ठिर महाराज क्या कह रहे हैं कि मेरे जैसा ग्रह आसक्त, भगवान का इतना ऊंचा भक्त क्या कह रहे हैं, मैं ग्रह आसक्त जीव हूं, और हम लोग जो पूरे दिन रात ग्रह में क्या है, ग्रह आसक्ति में पड़े हुए, उससे बाहर नहीं आते, उससे बड़ा मुश्किल से हम लोग जब तब कर पाते भगवान की सेवा या कथा में आ पाते, या कभी साल में एक बार रात जागरण निर्जला एकादशी या इस तरह के आयोजन में उत्सव में मौका मिलता है, तो अभी 12 बजे के बाद मालूम पड़ेगा कितने लोग भगवान के पास बैठने वाले और कितने लोग घर के अंदर जाएंगे, है कि नहीं। ग्रह शक्ति उनको लगेगी थोड़ी देर के बाद, कितना बज गए अभी, सारे आधे घंटे में आईना दिखेगा, है ना, वो आईना आधे घंटे में भगवान देखेंगे मेरे लिए रात भर कौन कौन जागने वाला है, और घर को कितने लोग जाके उसमें आसक्त होने वाले हैं। तो ये युधिष्ठिर महाराज की स्थिति है, जो भगवान का शुद्ध भक्त है, झूठ भी नहीं बोलते, भगवान के चिंतन स्मरण उनकी सेवा में उनको ही समर्पित है पूरा जीवन, जैसे भगवान कह रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं। तो ऐसे जीव क्या शिक्षा दे रहे हैं, वो कह रहे मैं ग्रह आसक्त हूं, क्या कह रहे हैं कि मैं ग्रह आसक्त हूं, क्योंकि हो सकता है कि कभी कभी भजन छोड़ के वो गृहस्थी में लग जाते हो, क्योंकि गृहस्थी तो है ही, है ना, सब पत्नी है, माता पिता है, अनेक राजकाज दुनियादारी, तो इस प्रकार से उनको लग रहा हो कि मैं ग्रह आसक्त हूं, भजन छूट जाता है और इस प्रकार के कार्यों में लगना पड़ता है। लेकिन हम लोग की स्थिति उसके जस्ट विपरीत है, उसके बिल्कुल उल्टा है, बड़ी मुश्किल से सत्संग में आ पाते, बड़ी मुश्किल से भगवान की सेवा और काम में लग पाते, नहीं तो क्या होता है, हम लोग पूरा टाइम संसार ग्रह आसक्त। इसलिए यहां लास्ट में कहा ग्रह मूढ़ दी, हम लोग ग्रह मेहंदी जैसे हैं, बहुत मुश्किल से सत्संग में हमारा मन लगता है, बहुत मुश्किल से, नहीं तो संसार के अनेक विषय में हम लगे रहते। तो नारद जी से कह रहे, देवर्षि नारद जी, मेरे जैसा ग्रह आसक्त,
गृहस्थ बिना विशेष परिश्रम के इस पद को किस साधन से प्राप्त कर सकता है, आप कृपा करके मुझे बताइए। क्या पूछ रहे हैं कि बिना विशेष परिश्रम के, बिना मेहनत किए हुए ज्यादा, मैं किस प्रकार से इस पद को प्राप्त कर सकता हूं, कृपा करके मुझे बताइए। तो नारद जी क्या कह रहे हैं, नारद उवाच, बोले गृहे सब गृहेषु वसिष्ठतो वसिष्ठतो राजक्रियन्न राजक्रियन्न कुर्वन् गृहोचिता कुर्वन् गृहोचिता वासुदेव परणम वासुदेव परणम साक्षादुपासिता साक्षादुपासिता महामुनिम महामुनिम। कह रहे गृहे सब वसितो राजक्रियन्न कुर्वन् गृहोचिता वासुदेव प्रणम साक्षादुपासित महामुनिम। नारद जी ने कहा युधिष्ठिर, मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहे और गृहस्थ धर्म के अनुसार सब काम करे, परंतु उन्हें भगवान के प्रति समर्पित कर दे और बड़े बड़े संत महात्माओं की सेवा करे। नारद जी क्या शिक्षा दे रहे हैं? नारद जी ने युधिष्ठिर महाराज से क्या कहा, युधिष्ठिर मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहे और गृहस्थ धर्म के अनुसार सब काम करे। गृहस्थ आश्रम में हम सबको रहना चाहिए। नारद जी कह रहे देवताओं के गुरु ब्रह्मा जी के पुत्र और 12 महाजन में से एक महाजन, और स्वयं गृहस्थ नहीं है, स्वयं क्या है, स्वयं नारद जी क्या है, नारद जी एक ब्रह्मचारी है, क्या है, नारद जी ब्रह्मचारी है। क्या कह रहे हैं कि मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहे। देखिए साधु का जो उदार चित होता है, साधु जो दयालु होते हैं, साधु जो धर्म सम्मत बात कहते हैं, वो कह रहे हैं नारद जी क्या कह रहे हैं, मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहे, क्योंकि 4 आश्रम बनाए भगवान ने। तो नारद जी कह रहे गृहस्थ आश्रम में रहना चाहिए, लेकिन गृहस्थ धर्म के अनुसार सब काम करें, गृहस्थ धर्म के अनुसार सब काम करें। तो हमें गृहस्थ धर्म मालूम नहीं, हम लोगों को गृहस्थी का धर्म हम सीखते नहीं, हमें सिखाया नहीं जाता है बचपन से, और बड़े होकर भी हम सीखते नहीं, क्योंकि हम क्या सीखते और सिखाया जाता है, हमें अर्थ धर्म सिखाए जाते हैं। क्या सिखाए जाते हैं हम लोग को, क्या सिखाया जाता है, अर्थ धर्म, अर्थ कैसे कमाना है जीवन में, अर्थ मतलब पैसा है ना, कैसे संपन्न होना है, बचपन से यही सिखाया जाता है। कौन से अच्छा स्कूल में डाला जाए बच्चों को, अपने अपने माता पिता जो अपने अपने बच्चों को अपनी अपनी सामर्थ्य के हिसाब से, जानकारी और योग्यता के हिसाब से बच्चों को अर्थ वाली शिक्षा में स्कूल में डालते हैं, कि जहाँ बहुत अच्छा पढ़ाई होता हो, टीचर बहुत ध्यान देते हो, सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरह पढ़ाते हो, मेरा बच्चा पढ़ लिख के कोई बड़ा ऑफिसर बनेगा तो बहुत पैसा कमाएगा, बहुत सुखी रहेगा, बहुत भोग करेगा, उसको कोई कष्ट नहीं होगा। ऐसे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग बच्चों को क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं, अर्थ धर्म का, गृहस्थ धर्म का नहीं दे रहे बच्चों को, यहाँ तक कि बच्चियों को भी अभी इतने पतित हो गए, हमारा बुद्धि का पतन हो गए। क्यों पतन हो गए, एक तो ये अंग्रेजी स्कूल जो मलेच्छों का है, दूसरा हमारे नेता लोग ये ऐसे लोगों को भटका रहे हैं। अभी जो घर में रहने वाली माँ बहन थी, बेटियां थी, अभी वो सब भी घर में नहीं रहेंगे, कहाँ रहेंगे,
या तो स्कूल में रहेंगे, या तो कॉलेज में रहेंगे, या तो संसार इतना जो बड़ा भौतिक संसार है उसमें भटकते रहेंगे, या किसी ऑफिस में मजदूर जैसे गधे जैसे काम करते रहेंगे। ये आज का सिस्टम हो गए, क्या हो गए, आज का नारा हो गए, नारा। अगर सभी लोग काम करेंगे बच्चा कौन पालेगा, बच्चा कौन पालेगा वो बताइए, भाइयां पालेगी, वो मां जैसा संस्कार दे सकते, प्रेम दे सकते। आज तो चलन यही है, बच्चों को पालना हाउस में, प्ले स्कूल में डाल के सब लोग काम पे लगे, पैसा अर्थ कमा रहे, उनको संस्कार कौन सिखाएंगे, वो कैसे बच्चे बनेंगे बताइए। जो देख रहे हैं वैसे ही बनेंगे, कैसे बनेंगे, उनको कुछ भी नहीं आएगा गरज धर्म का, क्या करना है मालूम नहीं, कैसे जीना है मालूम नहीं, पूरा सत्यानाश करके बैठ जाएंगे पूरा का पूरा। न खाना पकाने आएगा, न रहने आएगा, न बैठने आएगा, न बात करने आएगा, न बड़े छोटे का कोई अदब रहेगा, किसी भी प्रकार के कोई संस्कार नहीं। और धर्म के बारे में तो पूरा इतना बड़ा शून्य रहेगा कि सोच नहीं सकते। तो गृहस्थ धर्म ना सिखा के हम लोग क्या सिखा रहे, अर्थ धर्म सिखा रहे, क्योंकि आज यही हवा चली है, यही लोग सीखते जा रहे और अपनों को सिखाते जा रहे। कह रहे बेटी पढ़ाओ और बेटी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे कुछ ना रहा है ना, या बेटी पढ़ाओ देश आगे बढ़ाओ, अनेक अनेक प्रलोभन दे रहे है ना। पहले की बेटियां पढ़ी लिखी नहीं थी, हमारी दादी नानी मौसी काकी सब गवार थी, ठीक है, पढ़ लिख के घर में बच्चे संभालते थे, अपने परिवार को संभालते थे और एक से एक दुनिया में नाम स्थापित किए हुए पुत्र और परिजन स्थापित करते थे। आज कह रहे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आगे देश को बढ़ाओ फलाना ढिकाना, सब कलयुग का प्रमाण है, कलयुग ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, सब काम उल्टे होंगे, कलयुग आगे बढ़ेगी। तो कह रहे कि गृहस्थ धर्म के अनुसार काम करना चाहिए, गृहस्थ धर्म के अनुसार काम नहीं हो रहे गृहस्थियों के, ये कैसे काम हो रही है, मनोधर्म के अनुसार हो रही है। गृहस्थ धर्म क्या कहता है, सुबह जल्दी उठो, कितने बजे, कितने बजे, ब्रह्मा मुहूर्त में 3 बजे के बाद और सूर्य उगने से 1.5 घंटा पहले उठो, ये गृहस्थों का धर्म है। कितने जन उठते हैं, सुबह से स्टार्ट कर रहा हूं, 2-3 जन हाथ खड़े कर रहे हैं, भगवान उनके साक्षी है, बाकी सब सूरज, सूरज जब खिड़की में से बोलता है मैं आ गया हूं तब उठते हैं। सूरज देव क्या बोलते हैं, मैं आ गया हूं उठो, अभी मैं प्रणाम करने आया हूं, खिड़की तो खोलो, है ना, फिर दरवाजा खोलता रहेगा। तो गृहस्थ धर्म क्या कह रहा है, ब्रह्मा मुहूर्त में उठो, और उठो ना, इसी भागवतम में लिखा गया उठते ही बाथरूम में जाओ, क्या कहते हैं, उठते ही स्नान घर में जाओ, अभी तो सब स्नान घर है, अटैच बाथरूम रहते हैं, अटैच बाथरूम है ना, व्हाट्सएप में पढ़ते रहता हूँ, व्हाट्सएप आते रहते लोगों के ना, आस्था चैनल हमारे साथ जुड़े हैं तो व्हाट्सएप करते कोई कोई साधु संत महात्मा, कहते थे पहले के लोग, पहले के लोग खाना घर में खाते थे, क्या खाते थे, खाना घर में खाते थे और टॉयलेट बाहर करने जाते थे, टॉयलेट घर के बाहर कहीं पीछे में होता था 150 मीटर की दूरी पे, घर से दूर। आज के बुद्धिमान लोग पढ़े लिखे जो गृहस्थ धर्म को नहीं मानते हैं, मनोधर्म के हिसाब से चल रहे हो, क्या करते, खाना बाहर खाते हैं, रेस्टोरेंट में नीचे खाने की दुकान लाइन से खुली है रोड के ऊपर, उसमें बढ़िया बढ़िया हवा जाता है, ऑटो का बाइक का इतने धूल, 1000 लोग आते, थम थम धूल भरे रहते, सुबह से शाम तक बैठेंगे आपके चेहरा पर आधा इंच धूल जम जाएगा। हम लोग यहाँ सफाई नहीं करते, इतना इतना धूल ऊपर आ जाती है।
नीचे खा रहे लोग, कौन पढ़े लिखे सामने सब, कोई मेडिकल का स्टूडेंट है, कोई सीए का स्टूडेंट है, कोई बारहवीं का पंद्रहवीं का, सब स्टूडेंट लोग पढ़े लिखे, मास्टर भी खाते टीचर भी और स्टूडेंट भी खाते, लाइन लगी है, नीचे जाके देखिए, यहीं से देख सकते हैं। तो खाना बाहर खाते हैं आज के लोग, और घर में आके अटैच बाथरूम में जाके टॉयलेट करते घर के अंदर। वो घर शुद्ध पवित्र हवन कुंड है, वो घर की क्या है, हवन करते जाके वहां पूजा पाठ होती है। देखिए हम कितने बुद्धिमान हो गए, पहले के लोग कैसे थे, वो जानते थे मल मूत्र त्याग कहीं ऐसी जगह में करो जहां से उसका रिश्ता नाता नहीं हो। लेकिन अब कैसे बुद्धिमान लोग हो गए, प्रसाद खाना, प्रसाद तो खाते नहीं, खाना ही खाते रहते बिना भगवान को दिए, बाहर खा के आते, घर में आके अटैच बाथरूम में अपना सब सिस्टमेटिक काम करते, बढ़िया बाथरूम एकदम है ना, टाइल्स वाइल्स लगा के एसी वेसी सब रहता है। बहुत जन तो टीवी भी लगाते, अखबार पढ़ते बाथरूम टॉयलेट के अंदर। कई ऐसे लोगों को पर्सनली जानता हूं मैं जो पूरा पेपर टॉयलेट में पढ़ते, क्योंकि उनका खाने पीने का सिस्टम नहीं, आधा एक घंटा टॉयलेट में लग जाते। तो ग्रह धर्म नहीं सीखने के कारण न सुबह उठ पाते, ना ही उठने के बाद तुरंत स्नान करते। पहले लोग पवित्र नदियों में जाके, तालाब तलैयों में जाके स्नान करते थे, गंगा जमुना स्नान होता था हर दिन सुबह उठ के। सभी ऋषि मुनि संत ऐसे, उनका नियम जीवन था। आज बाथरूम घर में है, अटैच है, फिर भी स्नान नहीं होता उसमें, अटैच बाथरूम उसमें भी स्नान नहीं होते उठते के साथ। और आप सबको याद होगा, आप सब खास करके माता लोग और पुराने जितने बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ पे, एक टाइम थी कि गांव की दादी नानी रसोई घर के अंदर बिना नहाए किसको घुसने नहीं देती थी। रसोई के अंदर नहा के जो जाएगा वही रसोई बनाएगा, और बाकी सबको बाहरी प्लेट दे दिया जाता था, चलो तुम नए नए हैं इधर आना नहीं, ये हमारा रसोई है, वहां रस बरसता है, भगवान का प्रसाद बनता है, वहां कोई बिना नहाए नहीं जाएगा। मुझे लगता है सब लोग ज्यादा से ज्यादा कोई अपवाद होंगे जो नहा धो के रसोई करते होंगे, सब लोग उठे नहीं तो बैठती शुरू हो जाते, कहाँ नहाना धोना। तो गरज धर्म नहीं है हमारा, सुबह का तो है ही नहीं, उसके बाद फिर सीधा शुरू हो जाते हैं, बस उठे नहीं, नाश्ता चाय चालू हो जाता है, चाय का फैशन, नाश्ता अनेक प्रकार से खा पी लेते हैं, उसके बाद जाके नहा धो के फिर तुरंत ऑफिस का टाइम हो गया, स्कूल का टाइम, कॉलेज का टाइम, ये रूटीन, ये काम, ये धंधा, ये नौकरी, जो उधम मचते सुबह। ऐसे लिखा है गरज धर्म के लिए, सुबह उठ के नहा धो के पहले भगवान का भजन करना चाहिए, सबसे पहले तो उठते ही अपने हाथ में भगवान का दर्शन करना चाहिए, है ना, ऊपर सबसे ऊपर लक्ष्मी जी, फिर पीछे सरस्वती जी, फिर बीच में भगवान गोविंद, और इस प्रकार से उनका दर्शन करके हम लोगों को दिन की शुरुआत करनी चाहिए। तो नहा धो के सबसे पहले घर में जो मंदिर है वहां बैठ के या तो भगवान की सेवा में लगनी चाहिए, या तो फिर भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे कीर्तन प्रभुपाद जी ने सिखाया, सुबह उठ के 4:30 बजे सब मंदिर खुल जाते हैं, सुबह उठ के भगवान के नाम का कीर्तन शुरू हो जाता है, दर्शन शुरू हो जाता है, अनेक प्रकार के आरती शुरू हो जाते हैं, और फिर सब लोग जप करते हैं भगवान के नाम। अगर कोई शारीरिक कष्ट है, सुबह नहीं नहा सकते, तो हाथ मुंह धो के भगवान के नाम का जप करना चाहिए, क्योंकि जप से हम शुद्ध पवित्र हो जाते हैं। जब परम पवित्र है तो जैसे आप जप करते हैं तो हर प्रकार से आप शुद्ध हो जाते हैं। तो हाथ मुंह धो के भी जप करना चाहिए, अगर बुखार है, खांसी है, सर्दी है, शरीर साथ नहीं दे रहा है,
या यहाँ तो कई कई बिल्डिंग में तीन तीन पांच पांच दिन में पानी आता है, तो भी नहीं 8 बजे पानी आएंगे, नहाने के लिए नहीं है तो हाथ मुंह धो के गंगा जल छिड़क के या फिर भगवान के नाम का कीर्तन शुरू कर सकते हैं माला। तो ये सुबह का काम होना चाहिए, कभी जब भी हम ब्रह्म मुहूर्त में होते हैं। उसके बाद फिर प्रातः काल आता है, सुबह सुबह भगवान का पूजा पाठ, मंदिर धो के उनको नहला धुला के सब करके रेडी करके हम लोगों को फिर अपने लिए सिस्टम में आना चाहिए। भाई कोई स्कूल जा रहा है, कोई नाश्ता कर रहा है, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई काम धंधे में जा रहा है, तो ऐसे हम लोग को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। लेकिन हम लोग उठते नहीं, हम उठते घर ही देख के सुबह का सब स्किप कर देते, गरज धर्म को छोड़ के बाकी फिर मनोधर्म संसार धर्म में लग जाते हैं। भाई ऑफिस के टाइम पे बराबर उठेंगे, चलो अभी 15 मिनट बाकी, उठ के चलो रेडी करो, हाँ सब एवरीथिंग इज रेडी, सब अप टू डेट है, टिफिन बॉक्स उठाए चले बिचारे, भगवान के लिए नहीं, उन्नति अपना आत्मा के कल्याण के लिए नहीं, संसार में जमने के लिए। तो गरज धर्म हम लोग पालन नहीं कर रहे हैं, गरज धर्म के अनुसार हमारा काम नहीं हो रहा है। यहाँ क्या कह रहे नारद जी, गरज धर्म के अनुसार सब काम करें, सब काम, हमारा सब काम हो रहा है नहीं हो रहा है, ना तो दिनचर्या गरज धर्म के हिसाब से, ना हम भागवत घर में गीता नहीं, भागवतम नहीं, समय निकाल के पढ़ते नहीं। प्रभुपाद जी ने 3 घंटा जप का दिया, 24 घंटे में से 3 घंटा एक पहर, 8 पहर में से जप नहीं होते लोगों के। बहुत सारे लोग यहाँ माता जी प्रभु जी है जिनका एक पहर जप नहीं है, एक माला भी जप नहीं, ऐसे बहुत लोग हैं। आते हैं नियमित रूप से, सुनते हैं, लेकिन उनके जीवन में परिवर्तन नहीं। कई जन्मों के पाप के कारण भगवान का नाम नहीं होता, ऐसे शास्त्र में लिखा है। मेरे से दुश्मनी मत ले लीजिएगा कि मैं बोल रहा हूं, ये भगवान भागवतम में कह रहे, कई जन्मों के पाप के कारण ये माला नहीं होता है। जिनका पाप खत्म हो गया, पुण्य का उदय हुआ, वही भगवान के नाम का कीर्तन और जप कर सकते हैं। भगवत गीता में श्लोक है, जिनका पाप खत्म हो गए, पुण्य उदय हुआ है, वही भगवान के नाम का जप कर सकते हैं। तो मैं इतना कह सकता हूं कि आप सब जरूर कोई ना कोई जन्म के पुण्यात्मा है कि आज के दिन भी भगवान की कथा भागवतम सुन रहे हैं। लेकिन मैं निवेदन करूं भगवान के चरणों में कि इसको पकड़िए, जप करिए रोज कम से कम 24 घंटे में से 3 घंटा, यही करने के लिए हम लोग आए हैं, यही जीवन का असली उद्देश्य होना चाहिए, तभी जीवन सार्थक और सफल होगा, अन्यथा व्यर्थ गवा देंगे। गरज धर्म नहीं हम पालन कर सकते, सब काम नहीं कर सकते, लेकिन अगर एक पैर भी भगवान को दे दिया, भगवान का नाम ले लिया, अपने आत्मा के कल्याण के लिए कर लिया, तो गरज धर्म का सब काम हो जाएगा। तो कह रहे गरज धर्म के अनुसार सब काम करिए, तो आप सब कोशिश करिए कि हमें गरज धर्म, गृहस्थी है हम, ग्रह मेहंदी नहीं है, क्या है, गरज आश्रम है, आश्रम मतलब भगवान का वो मंदिर है आपका घर, आश्रम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं आश्रम मंदिर को, मठों को आश्रम भी कहते हैं ना, आश्रम में जा रहा हूं, एक धाम है बहुत बड़ा, कौन सा धाम, बद्रीनाथ, उसका एक नाम है बद्रिका आश्रम, क्या कहते हैं उसको, उसको आश्रम कहते हैं, बद्रिका आश्रम, क्यों, वहां भगवान रहते हैं। तो हमारा, हम कहते हैं गृहस्थ आश्रम के जीव है, तो मतलब हमारा घर मंदिर होना चाहिए। सबके घर में मंदिर है क्या, सबके घर में मंदिर है, सबके घर में मंदिर भी नहीं होते, और अगर मंदिर होते हैं तो व्यवस्थित नहीं होते। वहां पे परम भगवान श्री कृष्ण, लड्डू गोपाल या सीताराम लक्ष्मण की सेवा नहीं होती, अनेक 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 पूरे 84 कोटि, क्या 33 कोटि देवी देवता इकट्ठा करके बैठते हो, एक भी छोड़ते नहीं, है ना। कई कई मंदिरों में जाओ, साईं बाबा बैठे हनुमान जी के सिर पे, मतलब साईं बाबा ऊपर रहते, हनुमान जी नीचे रहते, और सबसे नीचे भगवान लड्डू गोपाल रहते, क्योंकि भाई वो तो छोटा है,
मतलब क्रम मालूम नहीं, उनका स्थान मालूम नहीं, कैसे बिठाना है, कैसे रखना है, कैसे सेवा करना है, ये सब सीखना चाहिए गृहस्थियों को कि भगवान परम भगवान को कहाँ रखना है, देवताओं को कहाँ रखना है, बाबाओं को कहाँ रखना है, गुरुओं को कहाँ रखना है, मंत्र कैसे बोलना, आरती कैसे करनी, धूप कैसे दिखाना, नैवेद्य कैसे दिखाना, सुलाना कैसे, उठाना कैसे, ये सब सीखना चाहिए। और चलो इतना नहीं सीखने का टाइम है, गृहस्थी है, तो कम से कम एक पहर 3 घंटा भगवान के नाम का जप तो करो, माला उठा के, सब भक्तों के पास माला है, रोज 2-3 घंटे जप करते जो भक्तों ने दीक्षा लिया हुआ है। तो ऐसी स्थिति है सबों के लिए कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं, सभी जीवों के लिए, जितने भी यहाँ पे विशेष तौर पे जो सुन रहे हैं बैठ के, सभी लोग को जप करना चाहिए। कितना घंटा, कम से कम 3 घंटा, मिनिमम 3 घंटा, तब समझिए आप लोग ग्रह धर्म में है, नहीं तो समझिए ग्रह मेहंदी है। ग्रह मेहंदी हो रहते हैं जो गृहस्थी में रह के सिर्फ पेट भरते, भगवान से कुछ लेना देना नहीं, आश्रम नहीं है उनका घर, उनका घर डेरा है, डेरा क्या है, उनका घर डेरा है, जहां पेट भरा जाता है, नींद पूरा किया जाता है, भोग वृद्धि होती रहती। और ऐसे डेरों में भूत प्रेत चांडाल राक्षस मलेच्छ और अनेक प्रकार के प्रमादी लोग रहते, कहां, जहां भगवान नहीं है, वहां पे आलस्य प्रमाद भरा रहता है। तो इस प्रकार से गृह धर्म का पालन करना सबके लिए जरूरी है। कौन कह रहे, नारद जी, गृह धर्म के अनुसार सभी काम करें, परंतु उन्हें भगवान के प्रति समर्पित कर दें और बड़े से बड़े संत महात्माओं की सेवा करें। दो बात और जोड़ रहे नारद जी, क्या कह रहे हैं कि उन्हें भगवान परंतु उन्हें भगवान के प्रति समर्पित कर दें। क्या करें, गृहस्थ धर्म के अनुसार पहला तो सब काम करो, लेकिन सब काम करने से क्या होता है, मन में एक भाव आता है, हम सबका बड़ा स्वाभाविक भाव है जिसको कहते हैं नेचुरल, क्या भाव आता है, ये मैं कर रहा हूं मेरा है, क्या भाव आता है, हम लोग बोलते हैं ना घर हमने बनाए हैं, ये बच्चा मेरा है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा दुकान है, ये मेरा ऑफिस है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, हम लोग ऐसे कहते हैं, सब कुछ मेरा है, यहाँ मैं और मेरा का भाव आ जाता है। तो यहाँ नारद जी क्या शिक्षा कह दे रहे हैं, कहते परंतु उन्हें भगवान के प्रति समर्पित कर दे, क्या करें, परंतु उन्हें भगवान के प्रति समर्पित कर दे। जो भी आपको गृह धर्म करके प्राप्त हो रहा है वो सब भगवान की कृपा से हो रहा है, ऐसे भाव से भगवान के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। भगवान ये पुत्र है, ये परिजन है, ये सब आपके कृपा से है, ये काम धंधा नौकरी व्यापार जो कुछ भी चल रहा है आपके कृपा से चल रहा है, आप कृपा नहीं करेंगे तो कुछ संभव नहीं, ऐसे भाव से भगवान को अर्पित करना चाहिए। लेकिन संसार में प्राय देखा जाता है ये भाव ना हो करके मैं और मेरा का भाव हो जाता है, क्या हो जाता है, मैं और मेरा का भाव होने के कारण ही हम लोग भाई भाई झगड़ते, कौन से झगड़ते, भाई भाई झगड़ते, पिता पुत्र झगड़ा होता है, पति पत्नी का झगड़ा होता है, क्योंकि सब में मैं भरा हुआ है, सब में मैं का भाव रहता है, मैंने किया मैंने किया मैंने किया, और मैं के कारण जो मैं है अहंकार है, इसके कारण बाद में क्रोध होता है, बाद में झगड़ा होता है। तो कह रहे कि भगवान के प्रति समर्पित कर देना, जब भगवान की कृपा है, भाई भगवान की चीज है मेरी नहीं है, अगर ऐसे भाव रहेंगे तो हमें किसी के भी साथ साथ झगड़ा ना हो, चलो भाई भगवान ने दिया मैं आगे दे देना चाहता हूं, आगे इसको बांट देना चाहता हूं, अगर हम लोग यहाँ प्रसाद बना रहे कुछ भक्त मिलके भगवान को खिला रहे और बोले नहीं मेरा प्रसाद है, क्या है ये, हम लोग 10-20 जन का है तो बाकी जन आपस में क्या बात करेंगे, क्या बात करेंगे, ये अच्छे लोग नहीं है, है ना, बनाते खुद ही खा लेते।
लेकिन जब हम लोग आप लोग को खिला के खाते एकदम लास्ट में, तो आप में से कुछ लोग जिनको ये मालूम होगा तो आप लोग बोलते होंगे ये लोग तो बेचारे लास्ट में खाते हैं ना, जिनका भाव अच्छा है, जिनका भाव जो इन चीजों को समझते हैं। तो इस प्रकार से मैं और मेरा का भाव नहीं रखना चाहिए। ऐसे नारद जी शिक्षा दे रहे, भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। आज मैं कहीं पढ़ रहा था, अर्जुन और भगवान जा रहे थे, अर्जुन और भगवान टहलने जा रहे थे कोई बहुत सुंदर शहर में, तो रास्ते में एक गरीब ब्राह्मण भीख मांगता हुआ मिला। क्या मिला? एक गरीब ब्राह्मण भीख मांगता हुआ मिला। तो अर्जुन को उस पर दया आई, मन में जितने भी मेरी इच्छाएं थी अब पूरी हो जाएगी, इतना सारा स्वर्ग मिला, बहुत आनंद में जा रहा था और शॉर्टकट जल्दी पहुंचने घर पहुंचू ऐसे करके वो थोड़ा सा जंगल के रास्ते से जा रहा था, सुनसान रास्ते से। लेकिन हुआ क्या, उस रास्ते में कुछ डाकू बैठे थे। क्या बैठे थे? डाकू लोग बैठे थे। देखा पंडित जी आ रहे नाचते हुए, हाथ में कुछ थैला है, उनको रुकाया, लाठी डंडे लिए हुए थे, भाला तलवार, डरा धमका के छीन लिया, लूट लिया। बेचारे ब्राह्मण देवता बड़े उदास मायूस रोते रोते, उन्होंने तय किया शायद मेरा भाग्य में सुख नहीं है, इतना सोना मिला, इतना सब पूरा होने वाला था, छिन गया। बेचारा बड़ा मायूस उदास होके रुआसे मन से घर में गया। हरे हरे। तो एक और श्लोक लेते हैं, उसके उपरांत प्रसादम और फिर आगे की जो कार्यक्रम है कीर्तन बारी बारी से। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे नारद जी कह रहे कि बड़े बड़े संतों की महात्माओं की सेवा करनी चाहिए। कल भी हम लोग सुन रहे थे कि वैष्णव जन साधु संतों की सेवा करनी चाहिए, तो भगवान भी यही कह रहे हैं और भगवान के एक शुद्ध भक्त नारद जी भी यही शिक्षा दे रहे हैं। साधु संतों की सेवा से जो सबसे बड़ा फल प्राप्त होता है, हम लोग सार सार चीजें याद रखनी चाहिए। ये साधु संतों की सेवा से लाभ क्या होता है, क्यों करना चाहिए, ये प्रश्न आना चाहिए। तो जो सबसे ऊंचा बात है साधु संतों की सेवा करने का, कि साधु संत आपको कोई संसारी चीजें नहीं देते अगर आपने सच में उनकी सेवा की है। वो क्या देते हैं? जो उनके पास भगवत कृपा से प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? भगवान के चरण में जो रति, भगवान के प्रति जो प्रेम उनके हृदय में है, वो आप में संचारित कर देते हैं। उसका फायदा क्या होता है कि आप संसार के भोग विलास और आकर्षण से मुक्त हो करके भगवान के चरण में आसक्त हो जाते हैं, जो बहुत ही दुर्लभ है। कोई भी प्रकार के यज्ञ हवन उपाय जब तब से प्राप्त नहीं होता है। ऐसे पूरे भागवतम पूरे पुराण उपनिषद पढ़ जाइए, ये जो भगवान के चरण के प्रति जो रति है, उनका जो प्रेम है, वो सिर्फ और सिर्फ कोई बिरले संत साधु महात्मा वैष्णव गुरु या आचार्य के कृपा से प्राप्त होती है। एकमात्र ये कृपा का फल है कि आपको भगवान के चरण का रति प्राप्त होगा, भगवान में प्रेम आपकी प्रीति होगी। अन्यथा जब तब करके थक जाएंगे, आपको भगवान शायद दर्शन भी प्रीति होना तो दूर। आप सबने सुना है 60-60 हजार 80-80 हजार लाख लाख साल तपस्या करने के बाद भी भगवान के दर्शन हुए नहीं, लेकिन नारद जी ने कृपा कर दिया तो ध्रुव और प्रहलाद को भगवान का प्रेम भी मिला, दर्शन भी मिला और कृपा आशीर्वाद भी मिला। कैसे मिला? साधु कोई संत के कृपा के फल के स्वरूप।
तो इसलिए हमें सेवा के अभिलाषी होने चाहिए, हमारे हृदय में साधु संतों के प्रति सेवा भाव होना चाहिए। लेकिन आंखें खोल के और शास्त्रों के अनुसार है, वो समझना भी जरूरी है कि कौन साधु कौन संत कौन महात्मा कौन आचार्य, ये भी समझना जरूरी है। क्यों, कपड़ा तो एक ही रहता है सबका, लाल नहीं तो उजला है ना, कपड़े तो एक ही प्रकार के होते हैं, लाल कपड़े नहीं तो उजले कपड़े कैसे पहचाने। तो उनके पास रह के सेवा करके जब आंख खुला रहेगा, जब विवेक खुला रहेगा, तो जान पाएंगे कि हाँ ये भगवान के शुद्ध भक्त है, इनकी मति इनकी रति भगवान में है। तो इस प्रकार से साधु संतों की सेवा का सबसे बड़ा फल क्या है, वो संसार का आकर्षण छुड़ा के भगवान के चरण में आपका रति और प्रेम प्रदान कर देते, क्या कर देते, प्रेम दिला देते हैं, ये बहुत भाग्य की बात है। तो ऐसे प्रयास, ऐसे हमें लालसा होने चाहिए साधु संतों के सेवा के प्रति। तीसरे श्लोक में क्या कह रहे हैं, श्रृण्वन् भगवतो अवीक्षणम् अवतार कथा अमृतम् श्रद्धानो यथा काल मुख शांत जनावृत श्रृण्वन् भगवतो अवीक्षण अवतार कथा अमृतम् श्रद्धानो यथा काला अपो शांत जनावृता। इसका अनुवाद इस प्रकार से है, जैसे स्वप्न टूट जाने पर मनुष्य स्वप्न के संबंधियों से आसक्त नहीं रहता, वैसे ही ज्यों ज्यों सत्संग के द्वारा बुद्धि शुद्ध हो, त्यों त्यों ही शरीर स्त्री पुत्र धन आदि की आसक्ति स्वयं छोड़ता चले। इसमें गृहस्थी का बड़ा गहरा बात कह रहे नारद जी, क्या कह रहे, जैसे स्वप्न टूट जाने पर मनुष्य स्वप्न के संबंधियों से आसक्त नहीं रहता है, क्या कह रहे कि अगर रात को हमने कोई सपना देखा नींद में और अनेक अनेक उस सपने में पुत्र परिजन संबंधी बहुत कुछ देखते हैं, हम लोग बहुत कुछ देखते हैं और सब लोग का ऐसा अनुभव है, सपना सबको ही आता है। तो कह रहे कि जैसे स्वप्न टूट जाने पर मनुष्य स्वप्न के संबंधियों से आसक्त नहीं रहता है, सपना टूट गए हमारा उसमें आसक्ति नहीं रहता है। कई लोग तो सपनों को याद भी नहीं रख पाते, रात को देखते हैं सुबह भूल जाते हैं। ऐसे शिक्षा है वेदों का, शास्त्रों का, गुरुजनों का, कि अगर कोई अच्छा सपना आया हो रात को या दिन को, भगवान का, मंदिर का, धाम का, कृष्ण का, राम का, शिव का, गुरुदेव का, उसके बाद सोना नहीं चाहिए, क्या उसके बाद सोना नहीं चाहिए। उसके बाद जिनका भी सपना आया उनका नाम का कीर्तन करना चाहिए, आनंद मनाना चाहिए, उत्सव करना चाहिए, भगवान को धन्यवाद करना चाहिए, कुछ भोग अर्पण करना चाहिए, संभव हो तो कुछ वैष्णवों को भोजन कराना चाहिए, क्योंकि ये बड़े कृपा का फल है कि नींद में भी भगवान दर्शन दे रहे हैं, गुरुदेव दर्शन दे रहे हैं। नहीं तो लोगों को अनेक अनेक बुरे बुरे सपने आते, क्या आते, एक से एक भयंकर, लोग पसीने पसीने हो जाते, लोग डर जाते, चिल्लाते और उठ के बैठ जाते हैं। तो ऐसे सपने भी जब आए, बुरे सपने, तो हाथ पैर धोना चाहिए, भगवान का तुरंत दर्शन करना चाहिए, भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए, भगवान को जो जल चढ़ाते हो चरणामृत पीना चाहिए, भगवान के पास जो धूप अगरबत्ती जलाते हैं माथे में लगाना चाहिए, और संभव हो अगर आता हो तो हनुमान चालीसा, नहीं तो नरसिंह आरती पढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार के बुरे सपने
आने या तो कम हो जाएंगे या तो बंद हो जाएंगे। लेकिन जब अच्छे सपने आए तो उसके बाद जागरण करके कीर्तन करना चाहिए, ना धो के आनंद करना चाहिए, फिर सोना नहीं चाहिए। ये बड़े भाग्य की बात है कि आज हमने भगवान का सपना, भगवान ने दर्शन दिया। और कई बार भगवान जिस जीव पे कृपा करते खुश हो जाते, स्वप्न में ही दर्शन देते, या उनके गुरुदेव या कोई वैष्णव या साधु संत। हम लोग इस बात को नहीं समझ पाते, पकड़ते, बोले सपना आया था, भगवान को देखा था, क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा, खाओ जाके लड्डू, और क्या हो, कुछ हुआ नहीं, ऐसे उनको लगता है। भगवान आए जीवन में, उनको समझता नहीं, लगे अपने काम धंधे में लग, भूल जाते उस बात को। तो जब भी इस प्रकार का स्वप्न आता है, जागरण करके हमें कीर्तन करके आनंद मनाना चाहिए, और भगवान को भोग देके महाप्रसाद कुछ भक्तों के साथ खाना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अनेक अनेक सपने के ऊपर भी ग्रंथों में कथा है। कई बार भगवान भक्तों को स्वप्न देते, जैसे प्रभुपाद जी का अगर एक स्वप्न ले लें, तो प्रभुपाद जी जब अमेरिका जा रहे थे तो पहले दो दिन जब जहाज में चढ़े तो दो बार हार्ट अटैक हो गया। अब प्रभुपाद जी बोल रहे, भगवान को निवेदन कर रहे, भगवान अगर हमारे जान ही लेना था तो वृंदावन क्या बुरा था, या नवदीप धाम क्या बुरा था, ये जहाज में ये सब कर्मी लोगों के बीच में जहाँ मांस खाए जा रहे हैं वहां पे मेरा जान निकलेगा, ऐसे तो मैंने सोचा नहीं था, भगवान तो मेरे ऊपर कृपा करो, क्यों लाए हो जहाज में तो आप ही जानो, दया करो। राधा रानी को उन्होंने प्रार्थना की है, राधा रानी अगर मारना है तो मुझे मारो, मुझे तो मरने से जरा भी डर नहीं, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। लोगों ने समझाया है मुझे कि अमेरिका में बहुत ठंड है, आप झेल नहीं पाओगे, जहाज में एक महीना आप कैसे सफर करोगे, इतने बूढ़े हो गए, आपको उल्टियां होगी, चक्कर होंगे, दुर्बल हो, मर जाओगे। और दो बार हार्ट अटैक होने के बाद भी कैप्टन और बाकी लोग भी कह रहे कि आप मत जाओ, तो मुझे क्या प्रयोजन से ले जाना चाहते हो आप, अब आपके हवाले है मेरा जीवन, मेरे सांस, आप जैसे कराना चाहो मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वापस नहीं जाऊंगा, मेरे गुरु जी ने जो कहा है वो मैं करना चाहता हूँ। और रात को उनको स्वप्न हुआ, ऐसे प्रभुपाद जी ने जो ग्रंथ है प्रभुपाद जी का लीला अमृत, उसमें लिखा गया है कि रात को उस प्रभुपाद जी को क्या स्वप्न आए कि राधा रानी उनको उनके सर पे हाथ घुमा रही है, और राधा रानी कह रही है कि अभय चरण आप चिंता मत करो, आप अपने मिशन में जाओ, आप सफल होंगे। और प्रभुपाद जी उठ गए और बहुत आनंद में थे, बहुत हंसे अकेले में, लोग जो आसपास थे बड़े विस्मित थे, बड़े अचंभित हो रहे थे, बूढ़े को दो बार अटैक आया, रात को उठ जाता है, हंस रहा है, क्या है मालूम नहीं। और प्रभुपाद जी का रूटीन भी बड़ा अलग था, वो 9:30 बजे सो जाते थे, 12-1 बजे उठ जाते थे, फिर सुबह 3 बजे तक लिखते पढ़ते थे, फिर 4 बजे से मंदिर के कार्यक्रम में लग जाते थे, तो लोगों को समझ में नहीं आता था, कभी सोते कभी उठते, क्या चलता है इनके जीवन में। तो इस प्रकार से राधा रानी का जब उनको स्वप्न आया तो प्रभुपाद जी बड़े कॉन्फिडेंट हो गए, आश्वस्त हो गए, अब लगता है मैं मेरे मिशन में सफल हो जाऊंगा। और एक महीने के बाद वो पहुंच गए अमेरिका और प्रचार में सफल भी हुए। तो ये प्रमाण अनेक अनेक भक्तों के साथ ऐसे हुआ है, हमें उसको सच मानना चाहिए कि भगवान अगर या कोई दिव्य स्थिति है स्वप्न में तो हमें जागरण करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, और उसी आनंद में अपना आगे जीवन बढ़ाना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कह रहे कि जिस प्रकार से सपना देखने के बाद संबंधियों में आसक्त नहीं रहते, अगर पुत्र परिजन दिखते हैं तो हम उसमें रात को नहीं उसमें रहते, सुबह हमारा
अपना कार्यक्रम शुरू हो जाता है, रूटीन उसको भूल जाते हैं। वैसे ही ज्यों ज्यों सत्संग के द्वारा बुद्धि शुद्ध हो, त्यों त्यों शरीर स्त्री पुत्र धन आदि आसक्ति स्वयं छोड़ता चले। जैसे सपने में वो आसक्ति छूट जाता है परिजनों को, कह रहे सत्संग में जाने के बाद ज्यों ज्यों बुद्धि शुद्ध हो जाता है। इसलिए कहावत बड़े फेमस है, बिन सत्संग विवेक न होई। क्या कहावत है? शास्त्रों का कथन क्या है साधु संतों का? बिन सत्संग विवेक न होई। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, बुद्धि नहीं होता। और यहाँ भी भागवतम वही दोहरा रहे नारद जी के द्वारा, कह रहे ज्यो ज्यो सत्संग के द्वारा बुद्धि शुद्ध हो। इसलिए भी सत्संग में आके बुद्धि शुद्ध करनी चाहिए। कहने का अर्थ ये भी है कि जितना भी पढ़ाई कर लो, कॉलेज में चले जाओ, यूनिवर्सिटी में, मैनेजमेंट में, अमेरिका चले जाओ, मास्टर्स कर लो, पीएचडी कर लो, पीएचडी नहीं डबल कर लो, डबल पीएचडी कर लो, जितने एमफिल वेमफिल जितने डिग्रियां ले लो, बुद्धि शुद्ध नहीं होगी। क्या होगी? बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, क्योंकि उसका परिणाम आप देख सकते हैं। जिनकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, आज उत्सव मना रहे, आज के दिन में क्या मना रहे? उत्सव मना रहे 12 बजे रात को, और क्या उत्सव मना रहे? शराब पी रहे। क्या कर रहे? शराब पी रहे। जानवरों की हत्या, निरीह पशु पक्षियों का हत्या करके जो बिचारे बोल नहीं सकते, अपना विरोध नहीं कर सकते, उनको काट काट के खा रहे लोग। यहां तक कि आदमी को भी खाया जा रहा है आज के दिन में। ये लोग कौन लोग कर रहे हैं? जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनकी बुद्धि पढ़ लिखने के बाद भी शुद्ध नहीं होती। ये बात भागवतम कह रहे हैं कि अगर बुद्धि कहीं शुद्ध होती है तो वो सत्संग में आके शुद्ध होती है, नहीं तो दिनों दिन अशुद्ध होती है। और उसका नजारा पूरे संसार में चल रहा है। क्या चल रहा है? सब लोग शराब पी रहे हैं। और आप सबको एक प्रमाण देता हूं, आप सबने देखा कि नहीं देखा, मैं तो रास्ते में घर में से जब आ रहा था शाम को 7:15 बजे, तो मैंने रास्ते में 2-3 यहाँ पे मटन की दुकान है, वहां पे सब हिंदू लोग जो सनातन धर्म के लोग हैं, लाइन लगा के मटन खरीद रहे थे। और इस गली के ठीक सामने शराब की दुकान है, इस गली के ठीक सामने शराब का दुकान है, जाने टाइम देखिएगा। पहले वहां अनाज का दुकान होता था, वो अनाज वाला हम लोग के सत्संग के लिए अन्न दिया करता था दान में 1-2 बोरा वार्षिक उत्सव में, बहुत अच्छा हमारा जान पहचान था। उसकी बुद्धि ऐसे मलिन हुई, शराब का दुकान खोल दिया उसने। शराब का दुकान में लाइन लगी थी, कितना दूर की? कम से कम 100 मीटर का लाइन था, शायद अभी भी होगा, 100 मीटर का लाइन था उसमें। और लाइन एक सिंगल लाइन नहीं थी, ऐसे लाइन थी, 5-6 लाइन चल रही थी। और कौन लोग थे? कौन लोग थे? सब पढ़े लिखे लोग थे, और सब सनातन धर्म के लोग थे, गृहस्थ धर्म के गृहस्थी लोग थे सब। क्या काम कर रहे हैं लोग? और ये सब समाज, हम लोग का समाज है, हम उस समाज में रहते हैं। तो पढ़ने लिखने से, कपड़े पहनने से, सूट और टाई पहनने से और हेयर कट करने से बुद्धि शुद्ध नहीं होती है। या फिर पर्स में 50 क्रेडिट कार्ड रख लेंगी, क्या करेंगे? अलग अलग लोगों के फैशन है, अलग अलग विचार है, जीवन जीने का तरीका है। कैशलेस हो जाएंगे, क्या होंगे उससे? कैशलेस हो जाएंगे तो, ब्रेनलेस हो जाएंगे तो क्या होगा? ब्रेन ही नहीं रहेंगे तो। नारा है कैशलेस हो जाओ, इससे जीव का क्या उन्नति होने वाला? बोले कंप्यूटर आ जाएंगे तो विकास हो जाएंगे। विकास हुए या हरास हुए? पहले लोग कम से कम मांसाहारी नशेरी थे, अब ज्यादा से ज्यादा हो गए। इससे कुछ नहीं होना। बुद्धि का अगर शुद्धता होना है, बुद्धि शुद्ध होगा तो क्या होगा? सत्संग में आके होगा, भगवान की कथा सुन के होगा, संतों का दर्शन और उनका संग करके होगा, भगवान के दर्शन और उनका सेवा करके होगा, कोई धाम तीर्थ में रह के होगा, अदरवाइज
अन्यथा नहीं होने वाला, जीवन व्यर्थ चले जाएंगे। तो कह रहे कि सत्संग के द्वारा बुद्धि शुद्ध हो, त्यों त्यों शरीर स्त्री पुत्र धन आदि आसक्ति छोड़ता चले। जब सत्संग में जाके बुद्धि आपका शुद्ध होगा, त्यों त्यों क्या करना चाहिए? कह रहे स्त्री पुत्र धन आदि की आसक्ति छोड़ता चले। हम लोग तो इसी में आसक्त बढ़ते जा रहे। पहले आए थे भाई चलो मुंबई में एक रहने का ठिकाना हो जाएगा, घर हो जाएगा तो अपना हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिनकी बुद्धि शुद्ध नहीं है वो क्या करते हैं, एक के बाद दो, दो के बाद चार, चार के बाद आठ, अपना चेन ऑफ बिजनेस और संसारी चीजें बढ़ाते जाते, एक के बाद एक के बाद अनेक, और उसी में जीवन पूरा व्यतीत कर देते, पूरा बिता देते। लेकिन जिनकी बुद्धि शुद्ध हो गई है वो अब क्या कर रहे हैं, धन स्त्री और पुत्र को उनसे अपना आसक्ति कम कर रहे हैं और कहां बढ़ा रहे, भगवान के चरणों में, भगवान की सेवा में। अब वो ज्यादा से ज्यादा भगवान के पास रहते, उनकी सेवा में रहते, उनका ही चिंतन मनन, और कैसे भजन बढ़े, कैसे ज्यादा से ज्यादा जप हो, कैसे ज्यादा से ज्यादा भक्तों का संग हो, इस प्रकार का उनका जीवन होना चाहिए। यही बात नारद जी कह रहे कि वो इन चीजों को छोड़ता चले, पुत्र परिजन स्त्री और धन को, और भगवान में अपनी आसक्ति को बढ़ाते रहे। यही जीवन की सार्थकता है। लेकिन वास्तविक में हम सब जो है वो भगवान की बात ना सुन के, नारद जी की बात को ना सुन के आस पड़ोस में देखते, संबंधियों को देखते हैं, परिजनों को देखते हैं, अपने मित्रों को देखते हैं, और वहां पे हमारा कॉम्पिटिशन रेस शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है, हमारा रेस शुरू हो जाता है और हम एक दूसरे से आगे निकलने के होर में लग जाते हैं कि भाई देखो मेरा भाई देखो कितना बड़ा आदमी बन गए और हम देखो भजन घंटी हिला रहे हैं। बस यही ग्लानी उसको खाया जाता है। उसको ये शिक्षा नहीं आई कि भाई तू भगवान की सेवा कर रहा है, तू वैष्णव है, तू ब्राह्मण है, तू वैकुंठ जाने वाला है, और ये जो तेरा भाई है जो आईएएस ऑफिसर है, दिन रात घूस लेता है, शराब पीता है, झूठ बोलता है, सबको धोखा देता है, ये नरक में जाने वाला है। कहाँ जाने वाला है, ये नरक में जाने वाला है, ये रोरू का शिकार होगा, रौरव नरक में जाएगा। तो ये आनंद उसको शिक्षा नहीं होने के कारण, और वो भी बहुत मेहनत करने के प्रयास में लग जाता है। तो इस प्रकार से नारद जी शिक्षा दे रहे हैं। देखिए ये भी एक बड़ा विडंबना जैसी बात है, आश्चर्य है कि एक एक ब्रह्मचारी, एक सन्यासी गृहस्थ धर्म के बारे में बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं, एक उन्नत गृहस्थ भक्त को। क्यों बता रहे हैं इसे, क्योंकि नारद जी परम ज्ञानी है और भगवान के शुद्ध भक्त है, तो ये सारी चीजों को जानते हैं और गुरु पद पे आसीन है, तो इसलिए गुरु बन के उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। लेकिन आजकल ब्रह्मचारी सन्यासी ऐसे शुद्ध हृदय के बहुत कम मिलते हैं। नारद जी जैसे वो चाहते पूरी दुनिया सन्यासी लेगा तो ही भजन होगा, या पूरा दुनिया ब्रह्मचारी बनेगा तो ही भजन कर सकेगा। वो गृहस्थियों को समझते नहीं भजन करने के लायक, बहुत सारे ऐसे, सभी तो नहीं लेकिन बहुत सारे, कुछ हमारे अनुभव है जो मैं कह रहा हूँ, वो समझते ग्रही एक गृहस्थी ग्रह मेहंदी है, भजन नहीं कर पाएंगे, और ये इनका शास्त्र से भटका हुआ विचार है। तो उसमें करेक्शन होना चाहिए समय समय पे, यही उनके लिए अच्छी बात है। तो नारद जी एक ब्रह्मचारी होते, एक सन्यासी होते हुए हम सबको शिक्षा क्या दे रहे, युधिष्ठिर महाराज के द्वारा, कि हम सब जैसे जैसे सत्संग में आ रहे हैं, हम सबकी बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए और पुत्र परिजन धन से निकल करके भगवान की सेवा में लगनी चाहिए। तो ही समझना चाहिए कि हम सत्संग जा रहे हैं। अगर संसार भर रहे हैं
तो समझना चाहिए ये ग्रस्त धर्म नहीं चल रहे, ग्रस्त आश्रम में नहीं है, संसार का भोग चल रहा है। क्या चल रहा है? संसार का भोग। संसार कम होना चाहिए और भजन बढ़ना चाहिए, ये थर्मामीटर है। क्या है? यही नापने का पैमाना है भजन में उन्नति का। तो यहाँ पे विश्राम देते हैं, नारद जी को प्रणाम करते हुए, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त हैं और बारह महाजन हैं, देवताओं के गुरु हैं, और युधिष्ठिर महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए कि भाई ये ऐसे शुद्ध भक्त हैं और झूठ भी नहीं बोलते हैं, धर्मराज हैं, और फिर भी अपने आप को इतना छोटा बना के एक साधु से, एक संत से, एक देवर्षि नारद जी से क्या पूछ रहे हैं कि मुझे गृहस्थ आश्रम को कैसे उन्नत बनाना है। और मैं समझता हूं कि जितना उन्होंने सुना होगा अपने जीवन में जरूर धारण किया होगा, तभी तो ऐसा जीवन बना। लेकिन मैं मेरी तरफ से सोच रहा हूं कि मेरे जीवन में कितना उतरेगा वो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, उतरेगा भी कि नहीं उतरेगा। आप सब अपनी अपनी स्थिति को भी देख सकते हैं, मैं मेरी अपनी स्थिति देखूं कि जितना मैं पढ़ के बोल रहा हूँ उसमें से कितना उतार पाऊंगा मैं अपने जीवन, और नहीं उतार पाए तो ये बोलना, यहाँ बैठ के पढ़ना सुनना या आपको कहना व्यर्थी है। क्या है? व्यर्थी है, बेकारी बोल रहा हूं मैं। और आप लोग नहीं अगर उतार पाएंगे तो बेकारी सुन रहे हैं क्या? तो निवेदन ये है, और भगवान के चरणों में प्रार्थना है कि भगवान कृपा करिए, नारद जी कृपा करिए, युधिष्ठिर महाराज कृपा करिए, ताकि ये जो दिव्य पवित्र शब्दों का हमने उच्चारण किया सुना वो जीवन में उतरे, व्यवहार में आए और ऐसा आचरण हो ताकि हम सब ग्रस्त आश्रम में रहते हुए पुत्र परिजन धन के प्रति आकर्षित न हो के धीरे धीरे भगवान के प्रति आकर्षित हो और भगवान की सेवा में जीवन समर्पित हो जाए। ऐसे हम सब प्रयास करेंगे। अभी 5 मिनट कीर्तन करेंगे, उसके बाद सब